उमरान मलिक भाई हमारा बचपन बताते हैं क्रिकेट में, जब हम पहले क्रिकेट खेलने जाया करते थे और भाई कोई छक्का मार देता था हमको, हम अगली बॉल कैसे तेज फेंकते थे उसको कि गुस्से में ये ले। ठीक वही किया उमरान भाई ने भी कल, रोमन पॉवेल को 151-153 की स्पीड पे डाली और रोमन पॉवेल छक्के चौके पहले जा रहा था तो भाई गुस्से में 157 की स्पीड तक पहुंच गए। एक तरफ रोमन पॉवेल और दूसरी तरफ डेविड वार्नर, इनका तो सबको पता ही था कि SRH के आते ही उनको पहचानती हो, गूंगी हो। डेविड वार्नर को किसी ने IPL ऑक्शन के पहले ही इंस्टाग्राम कमेंट्स में बोला था कि भाई SRH के अगेंस्ट सेंचुरी मारो ना, उस पे वार्नर भाई ने रिप्लाई किया था आई विल ट्राई। मतलब अत्ता माजी सटकली तो बहुत पहले से हो गई थी डेविड वार्नर की। और काव्या मरण की किस्मत इतनी खराब है कि भाई राशिद खान ने भी इनको मारा, डेविड वार्नर ने भी मारा, खलील भाई तक 3 विकेट ले गए और मजे की बात ये कि मिचेल मार्श भी SRH में थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वार्नर ने तो उमरान मलिक को इत्तू सा भी लाड़ में नहीं आने दिया, पहले ओवर में मारे उनके 21 रन। अरे भाई साहब हमको पेस से डरा रहा था, इसको बताओ तुम्हारा जो टॉर्चर है वो हमारा वार्म अप है। हमको फास्ट बॉलिंग से डराना वैसा ही हो गया जैसे मुकेश अंबानी को पैसे से डराना। ऑस्ट्रेलिया में सुबह शाम पेस खेलते हैं दोस्त हम। उमरान मलिक को भाई पहला विकेट, सबसे बड़ा विकेट रोमन पॉवेल का मिलने वाला था कि केन विलियमसन ने इजी सा कैच ड्रॉप कर दिया और कैच छोड़ने के बाद वही किया जिसमें वो बेस्ट है। ऋषभ पंत के तो आउट होते ही भाई कैमरामैन ने इतनी लड़कियां दिखाई, कहां विदेशी कहां देसी, मतलब ऋतिक रोशन आउट होके जा रहा था ऐसा लग रहा था। पंत ब्रो आई एम फीलिंग जेलस यार ब्रो, अपने भूवी भाई ने स्टार्टिंग के 2 ओवर्स में जो बॉल स्विंग कराई है ना भाई साहब, ओहो मतलब वो जो यूट्यूब पे थंबनेल नहीं डले रहते ऐसे साफ साफ वाले वाइल्ड स्विंग वो असली लग रहा था मेरे को पहली बार भूवी भाई की बॉलिंग देख के। भाई ये वेस्ट इंडीज के बैट्समैन करते क्या है यार, जरा कैमरा छुपा के जरा देखो इन पे नजर डालो, ये लोग नॉर्मल इंसान वाला भोजन कर भी रहे हैं या नहीं, इतनी ताकत भाई साहब। रोमन पॉवेल जो बॉल मार रहा था वो 6। निकोलस पूरन का भी सेम यही था, तोड़ना स्टार्ट किया तो भाई कहां से कहां ही ले गए मैच को। एक टाइम पर लग रहा था मैच पूरा डेड है और जहां इन्होंने मारना स्टार्ट किया ऐसा लग रहा था भाई सनराइजर्स तो नहीं जीत जाएगी कहीं। भाई ये बॉल को ग्राउंड पर रखकर कैसे मारते हो तुम लोग, हम तो धीरे से चौका मारने जाते हैं ऑटोमेटिक 6 हो जाता है। बचपन से कुछ अजीब बनाया है भगवान ने, हमको स्कूल के लिए टिफिन मिलता था हम खा जाते थे, फिर बाद में मम्मी ने बताया कि लंच बॉक्स नहीं खाना होता उसके अंदर का खाना खाना होता है बस। कोई स्कूल में हमसे दोस्ती करने के लिए हाथ मिलाता था अगले दिन उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता था। एक तरफ वेस्ट इंडीज के पंटर लोग थे और दूसरी तरफ स्माइलिंग देवता केन विलियमसन, इनकी एक अलग ही दुनिया चल रही है भाई मैच से परे। टारगेट चाहे कितना भी हो 110-120 भाई दो ही चीजें करेंगे, एक तो टुक टुक और दूसरा भाई मतलब 208 का टारगेट और तुम केवल 36 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। केन विलियमसन भाई कभी तो टीम के लिए थोड़े से रन बना दो अच्छे स्ट्राइक रेट से, तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके। हाँ बात तो सही है, मतलब उनको क्या फायदा। स्टार्टिंग के 7 ओवर्स में भाई SRH का स्कोर था 37-3, मतलब ऐसी हालत करती थी कि निकोलस पूरन का पूरा परिवार भी आके जान लगा देता ना मैच में तब भी कुछ ना होना। बेचारे मार्करम और पूरन ने इतना मारा पर दो लोग मिलके कितना ही मारते जितना हम मारे थे। और मैच जीतने के बाद वार्नर भाई ने पूरे मजे लिए केन विलियमसन के। इधर देखिए आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, कैमरे में देख के हाय बोल दीजिए इधर भी। अरे बस कर यार कितनी बेइज्जती करेगा। अरे केन विलियमसन भाई आप टीम क्यों नहीं चेंज कर लेते, कहां काव्या मरण के चक्कर में पड़े हो, प्रीति वीटी की टीम ज्वाइन कर लो बढ़िया रहेगा। मिचेल मार्श भाई सीख रहे हो धीरे धीरे, इस बार तो आउट हुए तो बैट का एज भी लगा था। अब हम वो वाले मार्श नहीं रहे जो लिबिर करते हुए बिना बैट का एज लगे हुए आउट हो जाते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। अब यार जानमस कुछ आज के तगड़े मीम्स देख लेते जो तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बड़े प्यार मोहब्बत और मेहनत से भेजे थे। पर उससे पहले मैं एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। बॉलर होते हुए भी राशिद खान ने मारे बहुत सारे रन। मूड खराब हो गया वार्नर के कारण, काव्या मरण। कल माई 11 सर्कल में कैप्टन ही हमारे बदलापुर के हीरो वार्नर भैया थे तो हम लोग जीतते कैसे नहीं सारे लीग। माई 11 सर्कल पर डेली 1 करोड़ का प्राइज मनी मिल रहा है तो यार स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि लूट लो IPL खत्म होने से पहले। इतना ही नहीं यहाँ पे रेनॉल्ट कार, आईफोन और काफी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और कोड में तना यूज करो 20% कैश बोनस के लिए। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। डेविड वार्नर ऑरेंज आर्मी भाई इसके पीछे गाना लगा देते ना, गो 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 ऑरेंज आर्मी, मजा ही आ जाता भाई। पॉवेल टेकिंग स्ट्राइक फॉर द लास्ट ओवर, वार्नर ऑन 92 नॉट।
वार्नर एंड नॉन स्ट्राइकर एंड वेटिंग फॉर हिज सेंचुरी इतना खा रहा है जाड़िया बिहाइंड द सीन डीसी वर्सेस एसआरएच मेरी बेटी की कॉलेज में मेडिकल पढ़ रही है मुझसे इनको नहीं लगा जाएगा वार्नर भाई की रिस्पेक्ट इज्जत है हमारा यहाँ एसआरएच में भी उमरान मलिक एट ए स्पीड ऑफ 157 स्टिल पिटोइंग बाउंड्रीज डेल स्टेन क्या करूँ अरे क्या करूँ इसका क्या करूँ मार भी नहीं सकता प्यार जो करता है मुझसे उमरान मलिक बॉलिंग एट 157 एंड 155 ले पॉवर स्मैशेस 4 ऑन बोथ बॉल्स हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार ये हर मीम के आगे ले लगा देने से क्या होता है ले पावेल ले विलियमसन मैंने इसका सर्च किया ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है द और लिखा था कि होशियारी झाड़ने के लिए बस लगा देते हैं ले ताकि लगे मीम इंटरनेशनल मीम है ये लो काव्या जी तोहफा कबूल करो सर ना तो हम टीम के लिए रन बना पा रहे हैं ना ही फील्ड में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं पता नहीं हम क्या कर रहे हैं सर भाई बहुत ही इजी कैच था यार रोमन पॉवेल का और पूरा गेम उसी से चेंज हो गया वार्नर एंड पॉवेल पार्टनरशिप एसआरएच बॉलर्स अरे मेरे गन फट गया फर्स्ट इनिंग्स 20th ओवर डेविड वार्नर टू रोमन पॉवेल कहानी खत्म कर बैंच हो दूंगी क्या पट्टी पड़ा दी वार्नर भाई पॉवेल को डेविड वार्नर कैप्टनसी का टीम से निकालने का सबका बदला लेगा रे तेरा वार्नर पर वार्नर भाई ये किससे चिपके पड़े हो डेविड वार्नर 92 रन्स केन विलियमसन रुला दिया ना बेचारी को डेविड वार्नर टू रोमन पॉवेल स्ट्राइक दे मेरे को ओ मेरे को जानता नहीं है ये बेचारे वार्नर भाई यार 100 हो जाती डेविड वार्नर मेरा लंड खेले 150 किलोमीटर पर एंड रोमन पॉवेल को भी बिठा दो इनके पास इफ लाइफ गिव्स यू अ चांस परफॉर्म लाइक वार्नर अगेंस्ट योर एक्स ठुकरा मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी डिस्ट्रॉइंग एक्स एंड ऑनर एलेक्सा Play Excuses by AP Dhillon. मेरे दिल दिल नान वाली है जड्डू छटेगी तो पता लगूगा मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे He said and he did. God willing, if I have to ball at 155, I will do it one day. Umran Malik, 155 से भी ऊपर निकल गए ताऊ जी तो David Warner to Kavya Malhar. Hello जी. Hello जी. भुवनेश्वर कुमार with 125 किलोमीटर पर और उमरान मलिक with 155 किलोमीटर प्लस भाई इतनी स्लो भी नहीं डाली थी यार 125 ही लिख दिया मतलब क्रेट बाउंटी खेलो भैया एसआरएच को पेलो भैया उमरान मलिक के ले लो भैया भाई यार ये मीम कितना ज्यादा वायरल हो रहा है श्रेयस अय्यर का यार इन्होंने कब ये स्टेटमेंट दिया था 1 मार्च को बोला था कि अगर डॉट बॉल खेलना क्राइम है विलियमसन 11 रन इन 5 बॉल भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसे करेंगे क्रिकेटर्स आफ्टर गेटिंग फाइन फॉर मिस बिहेविंग अगेंस्ट एम्पायर फॉर एम्पायर्स रॉन्ग डिसीजन तेरी वजह से मेरा एक खोखे का नुकसान हो गया एम्पायर बोलता होगा मेरे को तो मिलता ही एक खोखा है उमरान मलिक यहाँ का आए हो नॉर्किया तुम्हारा 1,00,000 रुपए लेने आए हैं लेके जाएंगे वो जमाने गए और क्या भाई ये अलग लेवल पे जा चुका बंदा इसको चढ़ चुका चस्का फास्टेस्ट बॉल डालने का उमरान मलिक 157 शोएब अख्तर डर का माहौल है यार फेंटा लगा दिया है मलिक भाई ने रगड़ा लगा दिया और मेरी फटी पड़ी है उमरान मलिक स्लोएस्ट डिलीवरी 142 अदर बॉलर्स जहां हमारी फास्ट बॉलिंग खत्म होती है वहां इनकी फास्ट बॉलिंग स्टार्ट होती है उमरान मलिक बॉलिंग विद 157 किलोमीटर पर आवर स्पीड बॉलिंग पॉवेल हिटिंग 4 ऑन दैट बॉल उमरान तुम साला एसआरएच का टीम हमेशा हमारा जूती के नीचे ही रहेगा एक तो ये वार्नर पहले से भाई वो लगान वाले जैसे लगता मुझे ऐसी रखता है कि बिल्कुल लगान वसूलना है पॉवेल सुप्रीमेसी उमरान मलिक डेविड वार्नर भागो तुम सालों तुम्हारी 100 नहीं होंदूंगा और तेरे को भाई फास्टेस्ट बॉल पे पिटूंगा दैट्स हाउ यू टेक रिवेंज ओह मतलब ऐसे गूज़बम्स दे रहे ले वार्नर भाई पेस स्पेस डीसी SRH fans praising David Warner. David Warner, मैं कोई भी है लेकिन तेरा अपना नहीं है काव्या मरन आफ्टर टुडेज परफॉर्मेंस ऑफ डेविड वार्नर भारी मिस्टेक हो गया सर एकदम ब्लंडर हो गया तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना है बाकी ऐसी तबाही मचाते रहो सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना यार और भाइयों हाँ अभी डबल हेडर मैचेस आने वाले हैं तो हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव जाएंगे तो उनका तुमको चैटे वैटे करने में मजा आता हो तो थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी दर्शन दे देना ताकि हम लोग लाइव बातचीत कर सकें